पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत नहीं चाहते कि खित्ते में कशीदगी हो। शंघाई तआवुन तंजीम इजलास में पाकिस्तान के सियासी नक्शे पर भारतीय एतराज मुस्तरद किया। रूस ने पाकिस्तानी नुक्ता नजर की तायीद की। मावने खसूसी डॉक्टर मुईद यूसुफ की मीडिया ब्रीफिंग, बोले भारत को इजलास में हजीमत का सामना रहा और अजीत डोवल को मीटिंग छोड़कर जाना पड़ा। रशिया ने जो होस्ट थे उन्होंने एक टेक्निकल जो ग्रुप है तमाम ऑफिसर्स के, उनको ये रिक्वेस्ट की थी कि अपनी टेक्नोलॉजी आके टेस्ट करा दें। जो मैं इस साल के हवाले से नया नक्शा प्रोड्यूस किया था वो नक्शा दीवार पर मौजूद है। भारत ने एक फॉर्मल कंप्लेन दायर की, इसमें उन्होंने ये कहा जी कि पाकिस्तान का जो टेस्ट कॉल थी उसमें वो नक्शा बड़ा नुमाया नज़र आ रहा था और हम एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं क्योंकि वो नक्शा हमें कबूल नहीं है। वज़ारत खारजा ने उसी वक्त ठोस जवाब, उसके जवाब में भारत ने जो प्रोटेस्ट किया था हमने भेजा। हमारा जो मौकफ है उसकी जीत हुई। आज सेशन हुआ, जब मैंने बात करना शुरू की तो अजीत डोवाल जो काउंटर पार्ट हैं NSA इंडिया में, वो उठ के वॉकआउट कर गए। हमने अपनी तकरीर में चार बातों पे फोकस किया। UN के जो प्रिंसिपल्स हैं उसी के मुताबिक दुनिया का दस्तूर चलना चाहिए, हम उसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। तो उनको ये मनवाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है दुनिया की कि वो बैनुल अक्वामी कवानीन को, अक्वामी मुत्तहिदा की करारदादों को मान के और डिस्प्यूटेड मसाइल का हल निकाले। अफगानिस्तान का हल अफगानिस्तान के अंदर है। अब जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं पाकिस्तान फैसिलिटेटर का रोल अदा करता रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करना चाहता है, आपने हमसे राहदारी लेनी है, हम रशिया को, चाइना को, सेंट्रल एशिया को राहदारी देना चाहते हैं।